नायका आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, बट चैनल में सुजाना हुआ करती थी तब। थैंक यू सो मच। सो लाइक जैसे देखता है दिया और बाती को एक नजरिए से देखता है कि औरतों की नई इंस्पिरेशन, कि अगर किसी को इंस्पिरेशन देना हो, एग्जांपल देना हो, तो दिया और बाती का दिया जाता है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सोचा तो ये नहीं था कि हम लोग इंस्पिरेशन सेट करेंगे किसी के लिए, लेकिन सोच जो थी वो बैंग ऑन लोगों को समझ आ गई और पसंद आ गई, तो अपने आप इंस्पिरेशन में तब्दील हो गई, तो अच्छा लगा। सिर्फ ड्राइव करने के बहुत सारे कारण होते हैं, एक ग्रिपिंग स्टोरी, ऑडियंस कैरेक्टर को जो प्यार करना शुरू कर देती है वो, बाकी जो हमने कैरेक्टर्स को अलग अलग रूप में दिखाया दैट वाज वेरी मच पार्ट ऑफ द स्टोरी बिगनिंग से, कि एक हमारा कहानी का मुद्दा यही था कि एक लड़का हलवाई है और उसकी बीवी पढ़ी लिखी है और वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, सो दैट वाज वेरी बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी इट्सेल्फ, सो उसमें हमने कहीं छेड़छाड़ नहीं की और ना हम करते हैं, वो हमारा शशि और मेरा बेसिक रहता ही है हमेशा कि नंबर्स को लेके हम कभी भी कहानी से छेड़छाड़ नहीं करते, वी स्टिक टू द बेसिक प्लॉट जो हम सोच के बनाना शुरू करते हैं। इसमें जो जैसे हम जानते हैं कि डेस्टिनी कभी फिक्स नहीं रहती है, कि तो कभी आपने सोचा था कि दिया और बाती को इतनी सक्सेस मिल पाएगी? लग रहा था इंट्यूशंस हो रहे थे शुरू में, अब कह सकते हैं। आपको लगता है कि जब आपने आईएएस पढ़ाया, आईपीएस, आईपीएस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले हमारी कहानी की नायिका आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, बट चैनल में सुजाना हुआ करती थी तब, उसने कहा कि क्यों ना आईपीएस करें, वो एक आइडिया आईपीएस होने से हमारी कहानी को बहुत 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 बड़ा फायदा होगा। ऑफकोर्स एक्चुअली हम लोग किरदार अपने आसपास के उससे उठाते हैं, भावो जैसे किरदार हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, ऐसे बहुत मिलते जुलते लोग जो स्ट्रिक्ट होते हैं, दिखते स्ट्रिक्ट हैं बट डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनमें अनुशासन होता है, वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, तो भावो की ब्यूटी यही थी कि वो बेटे से भी, सूरज से जिसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसको भी स्माइल नहीं देती है, सो ऑडियंस को वो बात अच्छी लगी, भाई वो बहू हो या बेटा हो, स्माइल किसी को नहीं देती है, सो ऐसी है ये, तो सारे नियम एक जैसे, चाहे बेटी चाहे बहू। जैसे हम जानते हैं कि नीलू फुले अपने आप में एक अपनी नाम लेके, नीलू फुले नहीं, नीलू फुले अलग एक्टर है, सॉरी, तो वो अपने आप में तो लाइक कुछ चैलेंजिंग रहा उनके साथ वर्क करना या कुछ ऐसा? नहीं, वो बहुत डेडिकेटेड थी, हालांकि इस किरदार में वो समा सके उसके लिए सुमित ने बहुत मेहनत की उनके साथ इनिशियली, ताकि वो भावो बन सके, लेकिन एक बार जब उन्होंने उस कैरेक्टर को पकड़ लिया उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो सीरियल आपने बनाया इसके बाद एक इंडस्ट्री का एक अलग जोनर बदल जाएगा, मतलब फिर से इस तरह के सीरियल आने लगेंगे? सीरियल ऐसे ही है, कहानियाँ ऐसी हैं। हाँ, ये बात एक तरह से ठीक है कि इससे पहले करियर ओरिएंटेड हीरोइंस नहीं होती थी, इस शो से लोगों में ये विश्वास आया कि वैसी हीरोइन भी बन सकती है। डर तो हर एपिसोड लिखते वक्त होता है, हर एपिसोड के साथ डर होता है, बट बिना डरे लिखना ही बेटर है। वो नंबर्स जब आपको हर थर्सडे बोलते हैं कि भैया आप थोड़ा सा ट्वीक कर दो कहानी, वो हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि नहीं भैया कोई बात नहीं। अभी प्लॉट की एंडिंग है या अभी कंटिन्यू करेंगे आप 2000? देखो, एंड तो देखिए, ना राइटर सोचता है ना प्रोड्यूसर सोचता है, दोनों में से कोई नहीं सोचता है, सो नहीं नहीं, हमारे जब तक कहानी होगी हम इंटरेस्टिंग है तब तक हम कर, कुछ भी सोच के करना, ना पहले हमने सोच के किया था ना अब सोच के करना चाहते हैं, सिर्फ ये ज़रूर चाहते हैं कि हम सम्मान के साथ कहानी कहते रहें जब तक कह रहे हैं, द मोमेंट वील फील कि ऑडियंस ने अब इसको बोला है कि भाई आपकी कहानी बहुत अच्छी थी लेकिन अब पूरी हो गई है, तो हम बहुत ग्रेसफुली चाहेंगे यू नो विड्रॉ कर लें और कुछ नया लेके आए, खींचना या घसीटना नहीं चाहेंगे अपनी तरफ से। अच्छा,
अगेन नंबर, मतलब नंबर्स में मैं बिलीव इतना नहीं करता, मैं कैरेक्टर्स में बिलीव करता हूँ. सो कैरेक्टर्स वर्क करते हैं. गौतम के बाद जो दूसरे पर्सन ने हमारा टेक ओवर किया, विक्रम कैरेक्टर, इज ऑल्सो डूइंग ब्यूटीफुली. सो कैरेक्टर्स से ही ऑडियंस को प्यार होता है. आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस. थैंक यू.